यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मैं आपको रेनॉल्ट की कैगर दिखाने वाला हूँ। और ये रहे उसकी चाबी, और ये टॉप वेरिएंट आर एक्स जेड है। और इसका सामने से कुल लुक कुछ ऐसा है। और ये इसकी लाइट रही, और ये इंडिकेटर और DRL के साथ, ठीक है। की कैगर RX-Z जो है टॉप वेरिएंट में, और ये इसका स्मार्ट एक्सेस कीलेस एंट्री कार्ड आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये टॉप के साथ सेकंड टॉप में भी आपको जो है स्मार्टलेस कीलेस एंट्री कार्ड देखने को मिल जाता है। अगर फ्रंट लुक की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश आपको जो है वो लुक मिल जाता है। नीचे हम आपको देखने को इसमें मिल जाता है 3 ऑक्टा प्योर विजन LED हेडलैम्प आपको इसमें नीचे देखने को मिल जाएगा, जिसकी नाइट विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इसमें आपको जो है वो DRL जो है वो देखने को मिल जाएगा, डे नाइट रनिंग जो LED DRL जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सामने की अगर बात करें तो इसमें जो है वो क्रोम इंसर्ट जो है वो फिनिशिंग आपको इसमें मिल जाता है, जो लुक को काफ़ी और ज़्यादा जो है वो स्पोर्टी बना देती है। साथ ही साथ इसमें अगर आप नीचे देखते हैं तो इसमें आपको जो है वो स्किड प्लेट आपको जो है देखने को मिल जाएगा, जो आपको जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। कैगर का कुछ लुक ऐसा है साइड से, और इसका टायर साइज 195/60 R16 है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है। और इसका साइड मिरर का लुक कुछ ऐसा है, और इसी टॉप वेरिएंट के कारण इंडिकेटर इसी में आता है, और ये RX-Z का बेजिंग। और ये पीछे का लुक टेल लैंप का कुछ ऐसा है जो LED के साथ, और ये इंडिकेटर हेलोजन लाइट के साथ आता है। और पीछे का कुछ लुक ऐसा है, और यहाँ से ये इसका साइलेंसर, और इसका पीछे से कुछ लुक ऐसा, और टॉप वेरिएंट के कारण यहाँ पर पीछे में वाइपर मिलता है, और डीफॉगर के साथ मिलता है। और ये रहा पीछे का टायर, और यहाँ से पेट्रोल डला जाता है। और ये रहा आपका मिरर, और इसका इंडिकेटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है, और 72 PS के साथ, और ये 6250 RPM तक जाता है। और इसका NMRPM 96 है। और इसका इंजन की बात करें, इंजन को खोलते हैं और बोनट खुलता है। टाइगर में ये यहाँ पास दिया गया है बहुत नीचे में यहाँ पास, और बोनट को खोलते हैं, फिर बताते हैं आपको बोनट को खोल के यहाँ पास से बोनट को खोलते हैं। और ये रहा 3 सिलेंडर इंजन रेनॉल्ट कैगर का, और इसकी PSI 72 है, और इसका NM टॉर्क 96 है, और 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है। और इसका इंजन का लुक कुछ ऐसा है साइड से, अंदर से, बाहर से, सब जगह, और कुछ ऐसा है। और यहाँ पास थोड़ा रैंपिंग दिया गया है, और जिसके कारण वाइब्रेशन बहुत कम आता है। और इसका साउंड चेक कराता हूँ, इंजन का साउंड अंदर कुछ ऐसा है, और बाहर से इंजन को नॉइस ज़्यादा नहीं आता है, ये इसका साउंड रहा। और AC चालू होने के बाद इतना ही साउंड है। ओके, इसका इंजन का डिटेल पूरा यहाँ पास दिया गया है, आप पूरा डिटेल को देख सकते हैं। इंजन के बाद साइड का लुक की बात करें तो यहाँ पास इंडिकेटर आ जाता है टॉप वेरिएंट के साथ। टॉप वेरिएंट के कारण मिरर में इंडिकेटर आ जाता है, और ये कुछ इतना बड़ा है। और इसका साइड का लुक कुछ ऐसा है, और इसका टायर का साइज 195/60 R16 है। और ये ABS प्लस EBD के साथ आता है, और ये ड्रम ब्रेक आता है पीछे। और कुछ इंटीरियर का लुक कुछ ऐसा है,
यहाँ पर चार एयर बैग दिया गया है, ये पहला और दूसरा, और सीट के बगल में, और यहाँ पर सीट के बगल में, यहाँ पर सीट के बगल में, और ये रहा सन से बचने के लिए सन ग्लव सन, और डे नाइट RVM, और ये रहा आपका पावर विंडो का कंट्रोलर और मिरर का कंट्रोलर। और इसका मीटर की बात करें, कुछ है इसका मीटर की बात करें कुछ ऐसा है, और ये टच स्क्रीन के साथ आता है, और इसमें चार स्पीकर आता है, और ये आर्मरेस्ट रहा आपका आर्मरेस्ट, और इसमें थोड़ा बहुत स्टोरेज है, और ये क्लोज होता है, और ये ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा रहा जिसमें कि आप अपना सामान रख सकते हैं, और यहाँ पास चार्जिंग के लिए है, ये बी चार्जिंग के लिए, और ये वायरलेस चार्जिंग के लिए है, और ये मोड्स हैं, और ये लाइट ये वाइपर करा, और ये लाइट करा, और एसी वैन कुछ ऐसा दिखता है। और बात कर लें पीछे की, तो पीछे का लेग स्पेस देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग सेट है वो, इसमें तो बहुत बहुत स्पेस है, और इसमें स्पीकर लगा है, और ट्विटर के साथ, और इसमें पावर विंडो और थोड़ा लेदर का फिनिश दिया गया है। और इसकी बूट स्पेस की, तो ये 405 लीटर का बूट स्पेस है, और ये फिनिशिंग कुछ ऐसा है, ये देखिए, और लीटर का बूट स्पेस और कुछ ऐसा आता है। और इसका टायर के साइज़ की बात कर लें, तो इसका स्पीड 80 मैक्स स्पीड है, और 165 ATR 14 का प्रोफाइल आता है, जो कि दूसरा टायर है जिसको मैक्सिमम 80 की रफ्तार से भगा सकते हैं। और इसका फिनिशिंग कुछ ऐसा देखिए, और स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आता है ये, और कुछ ऐसा रहा। और रिव्यू कुछ पसंद आए तो बहुत प्यार दीजिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।